गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 13 कंजंक्शन एंड कंजंक्शन इज अ एंड बट एंड और। ये तीन जो वर्ड है इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन हम उसे कहते हैं जो दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को जॉइन करता है। जैसे कि जब हम दो रोड को जॉइन करते हैं तो बीच में ब्रिज बनाया जाता है। दो रेलवे ट्रैक को जॉइन करने के लिए बीच में ब्रिज बनती है। उसी तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन का यूज़ होता है। नाउ, सचिन इज़ अ स्विमर एंड अ फुटबॉल प्लेयर। मारिया लाइक्स मैंगो बट शी हेट्स ऑरेंजेस। मोहन कैन टेक अ ट्रेन और अ बस टू गो टू हिज विलेज। नाउ इन दिस सेंटेंस एंड बट एंड और आर कंजंक्शंस। सो कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, दे जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ओके, सो सचिन इज़ अ गुड स्विमर, सचिन इज़ अ स्विमर एंड अ फुटबॉल प्लेयर। इन दिस सेंटेंस ए एंड डी एंड शोज दैट देर आर टू थिंग्स दैट सचिन कैन डू। यहाँ पे हम एंड कब यूज़ करते हैं, जब हम सचिन नाम का जो लड़का है वो एक ही है बट उसकी दो एक्टिविटी है। वो स्विमर भी है एज वेल एज ही इज़ अ फुटबॉलर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन एंड टू एक्टिविटीज़। सो हम ए एंड डी एंड यूज़ करते हैं। इफ़ यू रिमूव एंड वी कैन ब्रेक द सेंटेंस इंटू टू सेपरेट सेंटेंस। सचिन इज़ अ स्विमर, सचिन इज़ अ फुटबॉल प्लेयर। अगर हम एंड यूज़ नहीं करते हैं सो हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। सेंटेंस स्टार्ट होता है सचिन से, एंड होता है फुल स्टॉप पे। और सचिन के ही बारे में हमें दो चीज़ पता चलती है, सचिन इज़ अ स्विमर भी है एंड सचिन इज़ अ फुटबॉलर भी। किसी भी एक इंसान के बारे में हम दो बातें कह रहे हैं तो हम एंड यूज़ करते हैं। वी यूज़ एंड टू कंबाइन टू सेंटेंस इंटू वन। ओके, now here some match the followings are there that we have to do. Suman is a kind and helpful girl. She likes to sing and dance. Mike is healthy and strong. So in this three sentence we are talking about one person and they have two activities. Okay, Maria likes mango but hates oranges. Here the speaker uses the conjunction but to show that the way Maria feels about oranges is different from the way she feels about mango. जो मारिया नाम की लड़की है उसको भी हमने दो चीज़ दिखाया है, जैसे कि she likes mango but she hates oranges. उसको mango तो पसंद है but उसको oranges पसंद नहीं है. So the word but is used to join two sentences that talk about things or ideas that are different from each other. So the she is talking about two things but she has different taste and different likes. One she is liking and other she is hating. Now I can play badminton, I cannot play cricket. I can play badminton but I cannot play cricket. Here also we have break the sentences, we remove the full stop and we put but and we made a one sentence. Okay, now here also see, Ravi is a tall, his brother is a short. So what we will do, Ravi is a tall but his brother is a short. So we have some exercises I have written, I will send you the pictures that you have to copy down. Now here, Mohan can take a bus or a train to go to his village. Now here this the OR or the conjunction, we talk about two different things that Mohan can choose between. जब हम किसी भी दो चीज़ को choose करते हैं, जैसे हम कहीं shopping के लिए निकले हैं और हमारे सामने दो कपड़े हैं, दो खिलौने हैं कोई भी, कि हमें ये नहीं तो ये लेना है, हम option में रखते ना, ये नहीं तो ये लेंगे, अगर ये मिल गया तो ठीक है नहीं तो यही हम ले लेंगे। उसी तरह से तब हम ओ आर और यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ओ आर और जॉइंस टू सेंटेंस दैट टॉक अबाउट डिफरेंट चॉइसेस। हमारी डिफरेंट चॉइस को बताने के लिए हम ओ आर और यूज़ करते हैं। डू यू वॉन्ट मिल्क, डू यू वॉन्ट फ्रूट जूस। तो अब इसमें हम कैसे पूछेंगे, डू यू वॉन्ट मिल्क और फ्रूट जूस, क्या तुम्हें दूध चाहिए या फिर फ्रूट का जूस चाहिए।
सो हम इसमें ऑप्शन रख रहे हैं. सो हियर ऑल्सो आई हैव रिटन ऑल द आंसर्स दैट यू हैव टू कॉपी डाउन. आई विल सेंड यू द नोट्स. नाउ कंजक्शन मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स. दे जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस. वी यूज एंड टू कंबाइन टू सेंटेंस इन टू वन. द कंजक्शन but is used to join two sentences that talk about things or ideas that are different from each other, or joins two sentences that talk about different choices. Did you all understood about conjunctions? Okay, so read this and write it down, copy down. I will send you the notes. Okay, thank you.